सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा ऐप के बारे में जिसमें आप अपने तीनों सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एक साथ यूज़ कर सकते हो और ये बिल्कुल सेफ़ है। ये क्यों सेफ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर की अपनी एक टर्म्स एंड पॉलिसी होती हैं, उसके हिसाब से वो लॉन्च करता है ऐप्स। अगर ऐप सेफ नहीं है तो प्ले स्टोर को मतलब उसको कभी भी लॉन्च नहीं करेगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो आप सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर के बारे में, आपको पता चल जाएगा। वो तुरंत रिजेक्ट कर देगा अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम हुई आपके ऐप में। सो ये ऐप बिल्कुल सेफ है, मैं खुद इसको यूज़ कर चुका हूँ, दो तीन दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए सो मैं बना रहा हूँ। तो आपको बताता हूँ, मैं आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। प्ले स्टोर पर सर्च करिए फ्लाइसो, FLYSO। आप सर्च करोगे ऐसा इसका इंटरफेस है, तो आपको दिखाता हूँ मैं। 500,000 डाउनलोड्स हैं अभी, कुछ ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं है एक्चुअली, ये अभी नया लॉन्च हुआ है शायद, एक या दो महीने हुए हैं इसको, एक या दो महीने भी नहीं हुए शायद, एक महीना ही हुआ है इसको लॉन्च हुए। सो देखिए इस तरीके से इसमें रहेगा अंतर, मैं अभी आपको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा। इसकी रेटिंग भी सब लोगों ने अच्छी दी है, ठीक है। सो आपको दिखाता हूँ मैं ओपन करके कैसा है ऐप ये। मेरी मानिए बहुत अच्छा ऐप है ये, मैंने खुद इसको यूज़ किया है और मैं बता नहीं सकता हूँ मुझे कितना अच्छा लगा है। सो मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने अपनी आईडी लॉगिन की है यहाँ पे, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। सो ये देखिए मेरे सामने ऐप भी खुल के आ गई है। ऐप भी वैसे ही चलेगी जैसे आपने क्या कहते हैं उसको, ऐप भी लाइट आपने यूज़ किया है तो ऐप भी लाइट की तरह ही ये रहता है। इसमें देखिए इसमें मैसेज कर सकते हो आप, फ्रेंड्स वगैरह जो कुछ भी मतलब आपका रहता है नॉर्मल ऐप भी लाइट में, वो सब इसमें रहेगा, ठीक है। सो अब आते हैं इंस्टाग्राम पे, चलिए इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेता हूँ मैं। बस एक मिनट, ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया इसको, बस हो रहा है लॉगिन। ये देखिए इंस्टाग्राम खुल गया है, ये बिल्कुल नॉर्मल इंस्टाग्राम की तरह चलता है, बहुत ही अच्छा ऐप है ये। सो अब बढ़ते हैं अपने ट्विटर की तरफ। हाँ सॉरी, इसमें टच करना भूल गया था मैं। सो अब ट्विटर लॉगिन करते हैं। देखिए ट्विटर लॉगिन कर लिया मैंने, देखिए मेरी आईडी खुल के आ गई है और मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। सो तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, मुझे बहुत पसंद आया और आई होप आपको भी पसंद आएगा। प्लीज़ इसे डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए। देखिए बाकी ऐप्स में अगर आपको ऐप भी यूज़ करनी है उसके बाद आपको इंस्टाग्राम यूज़ करना है या ट्विटर यूज़ करना है, तो आप पहले ऐप भी को फिर मिनिमाइज़ करोगे, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे जाओगे, फिर ट्विटर पे जाओगे, ऐसा कर करके। इसमें क्या रहेगा आपको सिंपल एक ही मतलब ऐप में सब कुछ मिल रहा है, तो आप देखिए अगर ऐप भी यूज़ करना चाहते हो तो ऐप भी पे क्लिक किया, ऐप भी आपके सामने है। इंस्टाग्राम यूज़ करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, इंस्टाग्राम आपके सामने और ट्विटर आपके सामने। सो बहुत ही अच्छा ऐप है ये, यहाँ से आप लोगों को ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला आज के लिए, इतना ही। सो वीडियो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। सो
बाय बाय।